नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार मौज चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद सिटी के बारे में। मोहम्मद बिन जायद सिटी, जिसे हम MBZ सिटी के नाम से भी जानते हैं, अबू धाबी के आउटस्कर्ट में एक फैमिली रेसिडेंशियल कम्युनिटी है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेडेड है। MBZ सिटी में प्रॉपर्टी का चॉइसेस बहुत ही एक्सटेंसिव है और जहां आपके कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग विलाज और टाउन हाउसेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। MBZ सिटी का नाम अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के नाम पे रखा गया है, जहां आपको एक बहुत ही क्वाइट और कंफर्टेबल कम्युनिटी मिलता है। MBZ सिटी मुसाफा और खलीफा सिटी के बीच में पड़ता है और अबू धाबी सिटी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे है। MBZ सिटी कुल 34 जोन्स में डिवाइडेड है और यहाँ आपको 2 बेडरूम से लेके 5 बेडरूम तक के विलाज मिल जाएंगे और अगर आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो यहाँ 6 बेडरूम से लेके 11 बेडरूम तक के मेंशंस भी अवेलेबल हैं। MBZ सिटी में आपको विलाज और मेंशंस के एक से एक डिज़ाइन वैरायटी देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ डिटैच्ड यूनिट हैं तो कुछ सेमी डिटैच्ड हैं।
एमबीजेड सिटी में आपको विलाज रेंट और सेल के दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। नॉर्मली यहाँ रेंट ऑप्शंस 100,000 धीरम से लेकर के 300-350,000 धीरम तक का मिलता है, जबकि सेल का ऑप्शंस 3 मिलियन धीरम से स्टार्ट होकर के अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिलियन धीरम तक जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं एमबीजेड सिटी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर हम बात करें एमबीजेड सिटी में रहने के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, तो सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ का क्वाइट और पीसफुल लिविंग, वो भी अबू धाबी सिटी लाइफ के शोर शराबों से दूर। दूसरे नंबर की बात करें तो उस पर आता है यहाँ का अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि एक्सपैट्स और लोकल दोनों का ही एक कॉमन रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आता है यहाँ का इजी अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज़, यानी सुपरमार्केट, मॉल, स्कूल और हॉस्पिटल्स, जो कि एमबीजेड सिटी के क्लोज्ड प्रॉक्सिटी में अवेलेबल हैं। लास्ट में है एमबीजेड सिटी का दुबई और अलायंस से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जो कि एक आइडियल ऑप्शन है उनके लिए जो रहते अबू धाबी में हैं पर काम दुबई और अलायंस में करते हैं और वाइस वर्सा। अब अगर बात करें एमबीजेड सिटी के डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें आपको सबसे पहले बताते हैं कि एमबीजेड सिटी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके कारण यहाँ के रेसिडेंट्स को पर्सनल व्हीकल यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद अगर लीजर एक्टिविटीज़ की बात करें, तो एमबीजेड सिटी में लीजर एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस बहुत ही कम हैं, जिसके कारण रेसिडेंट्स को या तो मुसाफा या अबू धाबी सिटी में जाना पड़ता है। अबू धाबी सिटी से दूर होना और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का ना होना भी एक डिसएडवांटेजेज है, जिसके कारण कुछ रेसिडेंट्स मोहम्मद बिन जायद सिटी में रहना अवॉइड करते हैं।
और महत्वपूर्ण डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो उसमें आता है एमबीजेड सिटी में ग्रॉसरी, लॉन्ड्री और कुछ बेसिक्स शॉप्स का ना होना। यहाँ के रेसिडेंट्स को हर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए सुपरमार्केट और मॉल में जाना पड़ता है, जो कि नियरेस्ट मुसाफा और बनियास में अवेलेबल है। और नोट करने वाली है कि एमबीजेड सिटी के लगभग सभी जोन्स में अभी भी रोड या विला कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ के रेसिडेंट्स को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर मेरे ख्याल से ये इंटरिम है और जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन फेज़ ओवर हो जाएगा, यहाँ के सड़क और बाकी सब व्यवस्था नॉर्मल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो अब जब आप एमबीजेड सिटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान चुके हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि एमबीजेड सिटी आपके और आपके फैमिली के लिए कैसा रहेगा। आप मेरा रिकमेंडेशन सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं तो मोहम्मद बिन जायद सिटी आपके लिए एक आइडियल चॉइस है। अगर आप दुबई या अलैन में काम करते हैं और अबू धाबी में रहना चाहते हैं तो मोहम्मद बिन जायद सिटी में रहना भी आपके लिए एक आइडियल चॉइस है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपैट हैं और कम रेंज में एक अच्छा हाउसिंग चाहते हैं तो आपके लिए भी एमबीजेड सिटी एक आइडियल चॉइस है। मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ, ताकि आप तक मेरे
इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।